रेन एंड मैन प्रॉब्लम के अंदर सबसे पहला केस है, तीन केस हैं इसमें जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है। पहला केस है, आप एक बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं, ठीक, आप बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है, रेन नीचे गिर रही है, रेन कहाँ से गिरेगी, ऊपर से गिरेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड किसे कहते हैं, इसे बोलते हैं। तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में काफ़ी लोग ऐसे करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं ड्रॉ करना, आपने ऐसे नहीं ड्रॉ करना कि अगर आप सोचेंगे कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये नहीं ड्रॉ करना ना, आपने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे लेना है, ये मान लो ईस्ट है, ये वेस्ट है, या ये ईस्ट वेस्ट है, नॉर्थ साउथ यहाँ और यहाँ लेना है, तो इस प्लेन में काम करना है। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, या नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, क्योंकि बारिश में भी गिरना है, और जो रेन है वो नॉर्थ से नहीं गिरती, वो तो वर्टिकली ऊपर से गिरती है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अर्थ के ऊपर है, तो रेन वर्टिकली डाउनवर्ड की वजह से हम इस डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ नहीं लेंगे। ये पहला पॉइंट है जो गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपने नॉर्थ साउथ यहाँ बना दिया और उसने बोल दिया कि मैन भी ट्रेवल कर रहे हैं नॉर्थ साउथ, रेन भी गिर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि यार मैन भी ऐसे जा रहा है, रेन भी ऐसे जा रही है, ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए ये पहला पॉइंट है, ठीक है। तो इसके अंदर मान लो सबसे वर्स्ट केस न्यूमेरिकल ये बनेगा, मतलब जो कभी नहीं आएगा पेपर में, मैंने केस बनाया भी नहीं, कि आप एक बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं और बारिश गिर रही है, बारिश कैसे गिर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो आप छाता कैसे पकड़ें कि आप भीगे ना, ऑब्वियसली यार आप इसके ऑपोजिट छाता पकड़ लेंगे, आप नहीं भीगेंगे, पहला केस है। तो ये डिस्कस नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली आपसे ये पूछा भी नहीं जाएगा कि आप खड़े हैं, रेन नीचे गिर रही है, पर चलो ये भी एक केस बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि रेन नीचे गिर रही है, आप छाता के खड़े हो, नहीं भीगेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी जो एक्चुअल है कि आप खड़े हुए हैं, आप चल नहीं रहे, और सपोज करो रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, तो सारे वेक्टर आपने ओरिजिन से लेने हैं, तो रेन का वेक्टर वी आर वेक्टर क्या है, 3 किलोमीटर पर आर से रेन वर्टिकली डाउनवर्ड्स नीचे गिर रही है, गिवन है। तो जब आप यहाँ खड़े हैं, साथ में हवा भी चल पड़ी, विंड चल पड़ी, अब हवा चल पड़ी किस तरफ, मेरी तरफ, विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 किलोमीटर पर आर। अब सोचो मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ और बारिश ऐसे गिर रही है, हवा बहुत तेज ऐसे चल रही है, मुझे लगेगा या मेरे ऊपर जो बारिश है वो ऊपर से नहीं गिरेगी, कैसे गिरेगी, टेढ़ी सामने से, मुझे लगेगा कि बारिश सामने से गिर रही है, क्योंकि हवा भी चल रही है और नीचे बारिश भी गिर रही है, तो दोनों का रिजल्टेंट टेढ़ा हो जाएगा। तो मेरे को अपना अम्ब्रेला ऐसे नहीं पकड़ना, मेरे को ऐसे पकड़ना है इन द डायरेक्शन ऑफ रेन। तो मुझे रेन कितनी वेलोसिटी से हिट करेगी, ये पहला क्वेश्चन है, मुझे हिट भी तो करेगी, तो मेरे को जो हिट करेगी उसकी वेलोसिटी क्या है। अगर हवा ना चलती तो 3 किलोमीटर पर आर से मेरे ऊपर गिरती, यहाँ पर हवा भी चल रही है, विंड भी चल रही है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट मेरे मुंह पे लगेगा, और इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा, इन दोनों का वेक्टर एडिशन, कि हवा भी चल रही है और रेन भी गिर रही है, तो इनका रिजल्टेंट क्या है, 5। तो मेरे को ऐसा लगेगा कि रेन ऐसे गिर रही है, 5 वेलोसिटी के साथ गिर रही है, और मैं तो चल नहीं रहा, सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो रहा है, ग्राउंड क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं तो चल ही नहीं रहा। तो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कोई केस बनता ही नहीं है, यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी यूज़ ही नहीं हो रही, यहाँ पर तो रिजल्टेंट यूज़ हो रहा है। रिजल्टेंट का मतलब है विंड और रेन का कॉम्बिनेशन मेरे ऊपर गिरेगा, 5 किलोमीटर पर आर से रेन मेरे ऊपर गिरेगी, और अगर हवा तेज चल पड़ी तो और तेज गिरेगी। तो मैं अम्ब्रेला कैसे पकड़ूंगा एग्जैक्टली इस लाइन के ऑपोजिट, तो अगर अम्ब्रेला वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे पकड़ा जाए, तो अगर इमेजिन कर लूँ ये थीटा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अम्ब्रेला का एंगल क्या है, तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये भी थीटा हो जाएगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये 4 है तो ये 4 है, तो टैन थीटा क्या होगा, 4/3, तो थीटा क्या होगा, टैन इनवर्स 4/3 विद द वर्टिकल इज द आंसर, क्योंकि जो ये थीटा आएगा वही थीटा ये आएगा, तो टैन इनवर्स 4/3 विद द वर्टिकल मेरा आंसर होगा। तो पहला केस आपको समझ में आ गया, तो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी क्यों नहीं यूज हुई, इसका आंसर सुन लो, क्योंकि मैन चल नहीं रहा, अगर मैन भी चले
रेन भी चले फिर कॉन्सेप्ट डेवलप होगा रिलेटिव वेलोसिटी का, क्योंकि मैन जब चलेगा और रेन भी गिर रही है तो रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन निकाल ली जाएगी, तो वहाँ रिलेटिव वेलोसिटी यूज होगी, जो केस नंबर टू है। अगर आपका मैन नहीं चलता, सिर्फ बारिश गिर रही है और विंड चल रही है, आप सिंपली उसका रिजल्टेंट निकाल दें, आपका आंसर आ जाएगा। पहला केस क्लियर है, कोई डाउट इसमें हो जाएगा? ये केस जब पेपर में आएगा या अगर कोई पूछ ले तो ठीक है। केस नंबर टू, केस नंबर टू में रादर मैंने यहां पर थोड़ी गलती कर दी, नॉर्थ साउथ नहीं लेना, हटा दिया, नई बुकलेट प्रिंट हो रही है उसमें हटाया हुआ है, नहीं लेना। फ्लो में बंदा बना देता है ना, तो अपनी गलती बता रहा था कि मैं इतना मत करना। ठीक, देखो क्वेश्चन है, अब सपोज करो ये आप बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं, इस बार अब आप स्कूटर उठा के वेलोसिटी जो है मूव कर रहे हैं 3 किलोमीटर पर आवर, या चल रहे हैं 3 किलोमीटर पर आवर। अब मैन चल रहा है, मैन खड़ा नहीं है, और बारिश कैसे गिर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड गिवन है, वीआर की वैल्यू कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, राइट, हवा नहीं चल रही। तो इमेजिन करो बारिश नीचे गिर रही है, एक्चुअल में तो सच में नीचे गिर रही है, इसके बोलते हैं एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन इज वर्टिकली डाउनवर्ड गिवन है, लेकिन मैन राइट की तरफ चल रहा है। मैन से पूछा कि तेरे को क्या लगता है कि रेन कैसे गिर रही है, तो मैन कभी नहीं बोलेगा, स्कूटर पे जा रहा है तेज तो वो कभी नहीं बोलेगा कि सीधी गिर रही है, उसको लगेगा कि रेन उसके मुंह पे टेढ़ी गिर रही है, क्योंकि वो खुद मूव कर रहा है। जब आप बाइक पे मूव करते हैं या स्कूटर मूव करते हैं तो आपको लगता है कि रेन आपके मुंह पे टेढ़ी गिर रही है, जबकि गिर सीधी रही होती है, क्योंकि आप मूव कर रहे हैं तो आपको अपीयर होता है, इस वर्ड को क्या बोलते हैं, आपको अपीयर होता है, आपको लगता है कि रेन टेढ़ी गिर रही है। ये पॉइंट भी क्लियर है, लेकिन रेन एक्चुअल में कैसे गिर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, एक्चुअल वर्टिकल डाउनवर्ड है, उसको लगता है कि रेन टेढ़ी गिर रही है। तो क्वेश्चन है, उसको रेन की वेलोसिटी पूछी गई क्या है, इस मैन को पूछा गया कि बता रेन की वेलोसिटी क्या है। अब वो ये नहीं बोलेगा कि 4, क्योंकि ये क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है, मैन से, और मैन खुद मूव कर रहा है, तो वो क्या आंसर देगा, रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, नहीं, ग्राउंड तो पता है मुझे आंसर 4 है और वो तो एक्चुअल वेलोसिटी है, यहां पर बात हो रही है रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। तो मैन को क्या लगा कि रेन की वेलोसिटी क्या है, 4 तो कम से कम नहीं है, ये क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है कि क्या क्वेश्चन है? तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला काम मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया रिलेटिव वेलोसिटी का, बोलो क्या, वी आर वेक्टर वी एम वेक्टर, वेक्टर वेक्टर लगाना जरूरी है, तो 2 वेक्टर का सब्ट्रैक्शन रिलेटिव वेलोसिटी है। कोई डाउट इसमें? इसके अंदर वी आर एम वेक्टर विल बी इक्वल टू वी आर वेक्टर प्लस माइनस वी एम वेक्टर। ये स्टेप क्लियर है, सब्ट्रैक्शन में वेक्टर हो गया। तो बेसिकली अगर मैं ये निकाल दूं मेरा आंसर आ जाएगा, मेरे को क्वेश्चन में वी एम गिवन है पर मुझे क्या चाहिए, माइनस वी एम। पहला रूल, मैं इसे नेगेटिव वेक्टर कंसिडर करूंगा, माइनस वी एम वेक्टर, अगर ये 3 है तो इसका मैग्नीट्यूड भी 3 है, मेरी रिक्वायरमेंट माइनस वी एम है, मेरी रिक्वायरमेंट वी आर है, तो मैंने माइनस वी एम ले लिया और वी आर तो मेरे को गिवन है। अगर मैं इनका रिजल्टेंट लूं, ये मैंने पैलोग्राम ड्रॉ किया और ये रिजल्टेंट है, मैं किन 2 वेक्टर को ऐड कर रहा हूं, वी आर वेक्टर को एंड माइनस वी एम वेक्टर को, वी आर वेक्टर प्लस माइनस वी एम वेक्टर, तो आंसर क्या आएगा, वी आर एम वेक्टर। यही इसी को निकालने में मैं इंटरेस्टेड हूं, मेरे से ये तो पूछा जा रहा है वी आर एम की वैल्यू क्या है, तो वी आर एम कैसे निकालना है, समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसके अंदर ये वी एम था, ये वी आर था, मुझे वी आर एम निकालना है, वी आर एम को लिख लिया, वी आर वैक्टर प्लस माइनस वी एम वैक्टर, मुझे वी एम गिवन है, मैंने नेगेटिव वैक्टर ले लिया, माइनस वी एम आ गया, ये माइनस वी एम है, ये वी आर है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया, तो ये रिजल्टेंट क्या है, वी ऑफ आर एम वैक्टर।
ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? वो डाउट इसमें तो बताओ, अगर ये थ्री तो ये भी थ्री, ये फोर, ये थ्री तो ये भी थ्री, तो पाइथागोरस से ये फोर, ये थ्री, तो क्या आ गया? फाइव। तो मैन से जब पूछा जाएगा कि तेरे को क्या लगता है कि रेन की स्पीड क्या है, वो नहीं बोलेगा फोर, वो बोलेगा मेरे को लगता है कि रेन की स्पीड क्या है? फाइव। उसको लगने का मतलब फिजिक्स में बोला जाता है उसे रेन अपीयर हो रही है। ये वर्ड लिखा होगा न्यूमेरिकल में कि रेन उसको अपीयर हो रही है कि वो 5 किलोमीटर पर आर से उसके ऊपर गिर रही है। कोई डाउट इसमें? ठीक है। अब अगर उसे ये बोला जाए कि तू छाता कैसे पकड़ेगा, अम्ब्रेला कैसे पकड़ेगा, तो कहेगा देखो मुझे तो जब मैं चलता हूं तो रेन सीधी नहीं अपीयर होती, रेन तो यहां अपीयर होती है, तो मैं अपना अम्ब्रेला एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट पकड़ूंगा। तो अम्ब्रेला ऑपोजिट कर दिया एट एन एंगल ऑफ थीटा विद वर्टिकल, ये नॉर्थ साउथ में नहीं है, यहां पे वर्टिकल है, तो अगर ये थीटा तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये भी थीटा। इस राइट एंगल ट्राइंगल में टैन थीटा की वैल्यू क्या है? 3/4। तो थीटा इज टैन इनवर्स 3/4 विद द वर्टिकल आंसर आ गया। तो दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैन को रेन कितनी वेलोसिटी से अपीयर हो रही है, तो आंसर 5, और एंगल निकालना है तो ट्राइंगल से एंगल आ जाएगा। कोई डाउट? अच्छी बात यह है अगर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आ जाए और आपको रेन एंड मैन आती ना हो और आपसे वेलोसिटी पूछ ले वो अपीयर की, लगनी तो पाइथागोरस ही है, जो मर्जी कर लो। अगर एक तीन है एक चार है तो तीसरा आंसर पक्का 5 निकलेगा ही निकलेगा। तो ऑब्जेक्टिव तो लोग किसी तरीके से ठीक कर ही आते हैं क्योंकि वो पता है कि तीसरी वेलोसिटी पाइथागोरस से निकलने वाली है, पर ये रूल नहीं है बताने का, मैं शॉर्टकट बताना बनता है कि कहीं ना कहीं उसको देख लेना चाहिए। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? केस नंबर 2 में डाउट? ठीक है, इतना ही मुश्किल नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है। हाँ, पर वैसा नहीं आई कैप जी कैप टाइप नहीं है, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, फटाफट हो जाता है। तीसरा केस देखो, तीसरा केस मान लो क्वेश्चन में ये गिवन है, तीन ही केस हैं, ये लास्ट केस है, ये लास्ट केस सबसे क्रिटिकल है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लास्ट केस पे आते हैं। मान लो एक मैन ईस्ट की तरफ जा रहा है, चलते हुए मैन से आपने पूछा भाई बता बारिश कहाँ गिर रही है, उसने कहा जी नीचे गिर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, आप पक्का बोलोगे झूठ बोल रहा है क्योंकि तू खुद चल रहा है, तो तू तो सही आंसर देगा नहीं क्योंकि तू तो रिलेटिव देगा, तो एक्चुअल में रेन वर्टिकली डाउनवर्ड बिल्कुल भी नहीं गिर रही। समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलते हुए बंदे से अगर पूछ लोगे रेन की वेलोसिटी, वो कभी आंसर सही देगा ही नहीं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्योंकि जब मैन मूव करता है तो जब वो आंसर देगा वो एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी देता है, वो एक्चुअल वेलोसिटी नहीं देता। तो जब आप इस चलते हुए मैन से पूछते हो कि रेन कैसे गिर रही है, तो ये मैन बोलता है मुझे अपीयर हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है चलते चलते कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, तो एक्चुअल में वो वी आर नहीं है, वो एक्चुअल में क्या है? वी आर एम है, क्योंकि रेन की वेलोसिटी किसने बताई? मैन ने, ग्राउंड ने नहीं बताई, मैन ने बताई। समझ में आ रहा है? आपको दो वेक्टर देगा वो, एक आपको क्या देगा? वेलोसिटी ऑफ मैन देगा, और एक जो अपीयर हो रहा है वेलोसिटी वो भी देगा। कोई डाउट? क्वेश्चन पूछेगा फिर बताओ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है। ठीक है, मान गए चलता हुआ मैन ठीक आंसर नहीं दे रहा, पर रेन एक्चुअल में तो कहीं और ही गिर रही होगी ना, तो कहाँ गिर रही है ये क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से देखना, ये सबसे क्रिटिकल केस है, इसको कैसे करना है ध्यान से देखना। इसके अंदर वी आर एम वैक्टर का मतलब क्या होता है साइड पर लिख लें, बोलो क्या होता है? वी आर एम वैक्टर इज इक्वल टू वॉट? वी आर वैक्टर माइनस वी एम वैक्टर। तो वी आर एम वेक्टर इज इक्वल टू वी आर वेक्टर प्लस माइनस वी एम वेक्टर, मतलब वी आर एम वेक्टर रिजल्टेंट है, किसका रिजल्टेंट है? वी आर वेक्टर का और माइनस वी एम वेक्टर का। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? मेरे को मेरी प्रॉब्लम में वी एम गिवन है पर रिक्वायरमेंट किसकी है? माइनस वी एम की। तो ठीक है, फिर उल्टा कर लो, ये मैंने ड्रॉ कर लिया माइनस Vm वेक्टर। क्लियर है यहां तक? मुझे सिर्फ ये बताओ कि दो वेक्टर ऐड करके तीसरा वेक्टर भी आर एम आ रहा है, एक वेक्टर तो ये रहा और ये वेक्टर क्या है? इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। तो देखो डायग्राम बन रहा है, एक वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर है, एक वेक्टर वी आर एम वेक्टर रिजल्टेंट है, तो ये रिजल्टेंट किसका है? ये रिजल्टेंट किसका? वी आर वेक्टर का और माइनस वी एम का। तो अगर माइनस वी एम इधर है
तो बताओ वी आर वैक्टर इस वैक्टर के लेफ्ट पे होगा कि राइट पे होगा, राइट पे होगा कि लेफ्ट पे होगा? कितने लोग बोलते हैं लेफ्ट पे होगा, कितने बोलते हैं राइट पे होगा? राइट पे इसलिए होगा क्योंकि जब यहां पर वी आर वैक्टर लिखेंगे तो ये वैक्टर का जो रिजल्टेंट बनेगा, ये देखो ये इसका रिजल्टेंट होना चाहिए, किसका? वी आर का और माइनस वी एम का, यानी कि वी आर वैक्टर का प्लस माइनस वी एम वैक्टर का, तभी तो आंसर क्या आएगा? वी आर एम वैक्टर। तो समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल में रेन यहां गिरी थी, इसलिए मैन को अपीयर हुआ कि वो यहां गिरी हुई थी, क्योंकि उसको तो रिजल्टेंट अपीयर हो रहा है, तो उसको रिजल्टेंट अपीयर हो रहा है, तो वी आर एम रिजल्टेंट है। ये देखो क्या हुआ है, वी एम का उल्टा लिया ये रहा माइनस वी एम, ये रिजल्टेंट है वी आर एम वैक्टर। वी आर एम वैक्टर का मतलब क्या है? वी आर वैक्टर माइनस वी एम वैक्टर। तो ये रिजल्टेंट है किसका? माइनस वी एम का और वी आर का। तो अगर माइनस वी एम इधर है तो वी आर इधर होगा, ताकि इनका पैलोग्राम से रिजल्टेंट यहीं रहेगा। तो डायग्राम समझ में आ रहा है यहां तक? तो रेन की वेलोसिटी यहां कहीं होगी। अब जैसे क्वेश्चन आएगा, एक मैन मूव कर रहा है 6 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट, उसे पूछा कि रेन कहां गिर रही है, उसने बोला वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 8। तो एक्चुअल में रेन की वेलोसिटी नहीं है, एक्चुअल में ये वी आर एम है, तो ये 8 है ये 6 है। वी आर एम का मतलब क्या है? रिजल्टेंट है किसका? माइनस वी एम का और वी आर का। तो इसको उल्टा करके माइनस वी एम, वही डायग्राम जो ऊपर बनाया था, तो वी आर यहां बनेगा, ताकि वी आर और माइनस वी एम का रिजल्टेंट वी आर एम बनेगा। आपको वी आर बताना है, सिंपल है ये। तो अगर ये 6 है, अगर ये 6 है तो ये भी 6 है, अगर ये 8 है ये 6 है तो ये कितना है? 10 है। तो रेन की वेलोसिटी 10 है। वो तो मैं ओरली वैसे बता देता, 6 और 8 देख के आंसर 10 ही आएगा। ठीक समझ में आ रहा है यहाँ तक? लेकिन लॉजिक समझ में आ रहा है? वो साथ में ये भी पूछ लेगा रेन की एक्चुअल वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ। डायरेक्शन के लिए ये एंगल क्या ले लिया? थीटा। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में टैन थीटा क्या होगा? 6 / 8। तो 6/8 3/4, टैन इनवर्स 3/4 विद दी वर्टिकल। वर्टिकल के साथ रेन ने इतना एंगल बनाया, आंसर है। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे रेन एंड मैन की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? इसमें कोई डाउट इसमें? ठीक। तो यानी कि अगर आपको पहला केस आया कि मैन खड़ा है, मैन नहीं चल रहा, जब मैन नहीं चलता ना तो रिलेटिव वेलोसिटी लगती नहीं है, दो बंदे चलेंगे तभी तो रिलेटिव होगी। तो मैन नहीं चल रहा, हवा चल रही है और रेन चल रहा है, तो रिजल्टेंट निकाल देना है एडिशन। अगर आपको क्वेश्चन में पता है कि मैन चल रहा है और रेन वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो आपसे पूछा जाएगा कि मैन को क्या लगा, रेन कहाँ गिर की वेलोसिटी क्या है, तो आपसे क्या निकालने को बोल रहा है? वी आर एम। वी आर एम इज रिजल्टेंट ऑफ वी आर एंड माइनस वी एम, तो ये आंसर आएगा। और तीसरे केस में वो आपको देगा कि वी आर एम वर्टिकली डाउनवर्ड है, वी एम देगा यानी कि माइनस वी एम देगा, वी आर आपको निकालना है। ये तीसरा केस है, क्वेश्चन इन तीन केस के ऊपर ही आएंगे। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगेगा इसमें?